नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। मामला फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर फिरोजाबाद पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया है। गिरफ्तार हुए 4 तस्कर, इनके पास से नाजायज असलाह भी बरामद हुआ है। सीओ सिटी कमलेश कुमार द्वारा बताया गया कि सूचना मिली थी कि इन लोगों द्वारा गौ तस्करी का कार्य किया जा रहा है, तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी करके चारों तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कई जिंदा गौवंशों को बरामद किया गया। बताया गिरफ्तार हुए लोगों पर पहले से ही गौ तस्करी के मामले में मुकदमा दर्ज है। इन चारों लोगों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करके जेल भेजने का कार्य किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए ऋषि पंडित के साथ। बीच में विचार देखिए, थाना रामगढ़ पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि नगला पार एक बंद बाउंड्री में कुछ गाय जो है पकड़ के रखी हुई हैं, गौकसी होने वाली है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस जो है रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहां से 3 जीवित गायें, छुरी, कट्टे, तराजू, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और अन्य सामान जो गौकसी के लिए प्रयुक्त होते हैं वो बरामद किया गया। 3 जिंदा गायें बरामद की गई। मौके से 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि 2 और लोग थे, जैसे आपकी सूचना प्राप्त आप लोग आए हैं वो लोग भाग गए हैं, उनकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान जो है अब्बास नगर में उन दोनों व्यक्तियों को घेर लिया गया, जहां उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा जो है जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें से एक व्यक्ति जो नौसाद जो थाना गुरसिंह सहायक कन्नौज का रहने वाला है, जिसमें ऑलरेडी गौ तस्करी के पहले से आधा दर्जन मुकदमे हैं, उसको गिरफ्तार किया गया। इसमें 3 अन्य लोग गिरफ्तार किए हैं, जो जिसमें से एक साबिर है, ये उसी की बाउंड्री थी जहां से ये तीनों गायें बरामद हुई हैं, साबिर। इसके अलावा 2 अन्य लोग मौके से पकड़े गए हैं। इसमें जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इनको जो है आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।